नमस्ते दोस्तों, मैं महिपाल चौधरी महिपाल इंटीरियर डेकोरेटर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने एक मॉड्यूलर किचन का वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप ऊपर से आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक कम्फर्टेबल बेडरूम, जो छोटी साइज़ का बेडरूम है, और उस बेडरूम में एक बेड और एक वार्डरोब और लॉफ्ट और ड्रेसिंग और एक छोटा सा एलसीडी पैनल। और चलो अब शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को एक्टिव करें। लेट गो स्टार्ट। बेडरूम के अंदर और अब शुरुआत करते हैं इसके काम की। तो सबसे पहले हम इस पर्दे को अप और डाउन करके देखते हैं, और ये ऊपर फोल्ड होने वाला पर्दा है, और जब इसकी कीमत की बात करें तो ये 7 से 8 हज़ार रुपये के कॉस्ट का पर्दा है। और ये विंडो पे वाइट कलर का पर्दा यूज़ किया है, ये बहुत ही शानदार पर्दा है और नो मेंटेनेंस वाला पर्दा है। और ये है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग के अंदर ग्लास के सेल्फ लगाए हुए हैं जिसमें आप अपना कॉस्मेटिक सामान रख सकते हैं। और बाहर इसके दरवाजे पे एक हमने शीशा लगा दिया है, और ये जो छोटा सा एक एलसीडी पैनल बनाया हुआ है कि बेडरूम में वो एलईडी लगाने के लिए, इसके ऊपर एक पत्थर टाइप का वॉलपेपर चिपकाया हुआ है और वॉलपेपर के ऊपर एलईडी लग जाएंगी। और इस साइड में अपन देखते हैं तो ये जो बेड बैक है वो काफ़ी हाइट पे लिया हुआ है, करीब 6 फीट की हाइट का बेड बैक है। ऊपर में ब्लैक माइका फिनिश और बीच में वाइट कलर का ये रेगजिन है, इसको फोम के टुकड़े कट करके कैंडबरी पैटर्न दिया हुआ है। और नीचे में एक साइड टेबल लगी हुई है, और साइड टेबल में दो ड्रावर बनाए हुए हैं जिसमें कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो करीब 22 इंच है, और आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे कि अब इस साइड में आपको ये वार्डरोब दिखाई दे रहा है, तो ये वार्डरोब हाइट में 6 फीट ऊंचा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 7 फीट है। और इसको स्लाइडिंग दो दरवाजे लगा दिए हैं, और एक ही बार में बीच में से ये लॉक हो जाते हैं। और ये इमरजेंसी यूज़ के लिए, जब अपन शर्ट वगैरह तुरंत उतार के रखते हैं और वार्डरोब लॉक रहता है तो अपन क्या करते हैं, बेड के ऊपर ही डाल देते हैं, उस हिसाब से ये बनाया है। जब अपन आउटर की बात करते तो ये पूरा आउटर बॉक्स टाइप में बनाया हुआ है, और इसके अंदर भी वाइट लेमिनेट फिनिश किया हुआ है, और बाहर से डार्क लेमिनेट है। और ऊपर के जो कैबिनेट है इसके दरवाजे एल इंजिस पे खुलने वाले हैं। वैसे ऑटो सॉफ्ट इंजिस का भी हम बहुत से यानी काम में यूज करते हैं, और ऑटो सॉफ्ट इंजिस के जो लगाने की प्रक्रिया है वो हम आगे दूसरे वीडियो में मेंशन कर देंगे। और अभी फ़िलहाल में अपन सीलिंग को देख रहे, तो ये सीलिंग वाइट कलर की है। ज़्यादा डार्क की सीलिंग से कैसा होता, रूम में लाइट इफेक्ट कम होता है, इसलिए सीलिंग को और दीवारों को हल्का क्रीमी कलर का लस्टर पेंट लगाया हुआ है। और ये उसका है, और ये है कालू जी। और कालू जी कैसा लग रहा है आपको? और लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा वीडियो में कि पूरा बेडरूम का जो भी इंटीरियर वर्क और सीलिंग और पेंट सभी प्रकार का काम आपने उस वीडियो में देखा था। और हम आगे में एक मंदिर का सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जिसका शॉर्ट वीडियो शायद आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, जो किचन के अटैच है। और मुझे उसके बारे में कमेंट मिले थे कि आप उसका जो फुल वीडियो है वो बताओ, और पब्लिक की तरफ से भी मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, और जो सोशल नेटवर्किंग फेसबुक इंस्टाग्राम से भी मुझे काफ़ी मैसेज आए थे कि आप वो जो मंदिर का वीडियो है
वो उसको अलग से बना के हमको देखो, जिसमें मैंने वो थोड़ा सा शॉर्टकट में वो किचन के साथ में उसका मेंशन किया था। तो मिलते हैं हम आगे के एक वीडियो में, और वो वीडियो होगा एक लार्ज LCD पैनल का। तब तक के लिए नमस्कार।